भारतीय जनता पार्टी नेता जयप्रदा ने रामपुर से सांसद आजम खान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह तो महिलाओं के आंसू का अभिशाप है। एक रैली में ही क्या, अब तो हर रैली में ऐसा ही रोना पड़ेगा। वह हमेशा मुझे एक अच्छी अभिनेत्री बताते थे, लेकिन वह अब क्या कर रहे हैं। जयप्रदा ने यह बात रामपुर में कही। और बता दें कि रामपुर से सांसद आजम खान ने कुछ दिन पहले ही एक रैली को संबोधित करते हुए यह कहते हुए रो पड़े थे कि अब उन पर बकरे और मुर्गा चुराने का मामला सामने आ रहा है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि आजम खान और जयप्रदा के बीच टीका टिप्पणी की यह पहली कोई घटना नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आजम खान ने जयप्रदा पर जमकर निशाना साधा था। उस दौरान सांसद आजम खान ने अपनी प्रतिद्वंदी बीजेपी नेत्री जयप्रदा की तरफ आपत्तिजनक इशारा करते हुए कहा था कि अश्लीलता को सम्मान देने वाले समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा था कि शरीफों की इज्जत जो लोग उतारेंगे, लोग रास्ते बनाएंगे। ऐसे लोग अपने आप को देवी देवता बनाएंगे। हमारे मरे हुए माँ बाप 3 दिन तक टेलीविजन पर डिस्कस होंगे। देखा जाएगा कि आपने आजम खान क्या हुआ, कितनी दौलत खर्च हुई, कितनी ताकत लगाई गई। कहते थे कि आजम खान जीत गया तो जड़ से ही नाक निकल जाएगी। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद जयप्रदा के कैसा बयान देते हैं आजम खान, क्योंकि पहले ही खूब वाद विवाद छिड़ चुका है आजम खान और जयप्रदा के बीच। अब देखना होगा कि आजम खान की तरफ से क्या टिप्पणी होती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN9 न्यूज़ पर। हर्ष की रिपोर्ट।